ये कभी नहीं सुधरेगा भाई। वैसे महा मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। इसने जितनी तारीफें की थी ना तुम्हारी, उससे कहीं बढ़कर। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी आंटी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सदके जा। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? तंग? इसकी इतनी मजाल। तंग तो उल्टा मैं इसको करती हूँ आंटी। अभी आपको पता है दो दिन पहले। अरे मामा, सब बातें नहीं बतानी, ये ना अपना इरादा बदल ले। नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी अपना इरादा, बल्कि माहा से मिलने के बाद तो मेरा इरादा और पक्का हो गया। थैंक यू आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना बेटा, इतनी जल्दी? तुमने कुछ लिया भी नहीं और फिर अभी तो बातें शुरू हुई हैं। नेक्स्ट टाइम, वो कहते हैं ना कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। कितनी अच्छी बात की है इसने। अच्छा जाओ, ड्राइवर से बोलो इसे ड्रॉप करके आए। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ। खुद ड्राइव करके? जी। क्या मतलब, ड्राइवर नहीं है तुम्हारे पास? ड्राइवर है, पर वो घर के दूसरे कामों के लिए है। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी अलग से गाड़ी है? जी, मेरे पापा ने मुझे मेरी लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। कितना प्यार करते हैं तुम्हारे पापा तुमसे, है ना? जी, मैं उनकी बहुत लाडली हूँ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। ही इज द बेस्ट फादर। अब इस बात से याद आया, अंकल कब वापस आ रहे हैं? हाँ, अशरफ ने अभी तक आ जाना था लेकिन गांव वालों ने रोक लिया, शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, वो आए तो आप उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। अरे बेटा क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। खुदाफिज़ बेटा, खुदाफिज़। लड़की तो बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसा घोरा चिट्टा रंग, रेशमी बाल, सुनहरी, और इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी, मुझे तो बड़ी पसंद आई। हाँ टाल मटोल कर रही थी, लेकिन आज उसे देखने के बाद, मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा इंतखाब बुरा नहीं है। यस गुड, तो जैसे अब वो आएंगे आप उनसे बात करेंगे, ठीक है? झट मंगनी पट दे, बल्कि मैं तो कहता हूं मंगनी छोड़े, डायरेक्ट निकाह कर दे। अरे 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 मेरे बेसब्रे बच्चे, थोड़ा सब्र। तुम्हारे अब्बा आएंगे ना तो रहीम भाई के सदमे में होंगे, थोड़े दिन लगेंगे उन्हें निकलने में, फिर बाद में बात कर लूंगी उनसे। हां यस यू आर राइट, लेकिन सच में इंतजार नहीं होता। वैसे मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी, अच्छे खासे खाते पीते घर की, और माशाल्लाह से कितनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो। हां काफी वेल ऑफ। हाँ वो तो नजर ही आ रहा था। अरे जो बाप सालगिरह पर इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट करेगा, वो जहेज तो 6 ट्रक भर के देगा। मम्मी आपको जहेज चाहिए या बहू? जहेज वाली बहू। कम ऑन शाइस्ता। अरे ये तो तुम्हारे बाप है। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिन लगा दिए आपने। हाँ, गांव में बहुत सी जिम्मेदारियां निपटानी थी, पर उसी में वक्त लग गया। ये लड़की कौन है? ये रहीम भाई की बेटी। ओह कितनी बड़ी हो गई है। बेटा बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे अब्बा का सुनकर, बस क्या किया जाए, अल्लाह की यही मर्जी है, जो आया उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तुम इसे ऊपर वाला कमरा दी, अब से यही रही। इसे क्या देख रही हो, सफर से थकी आ रही आई है, थोड़ा आराम कर लेगी, जाओ बेटा।
तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, खाने में मुलाकात होती है, ठीक है? अशरफ, ये क्या किया आपने? क्या किया? क्या जरूरत थी इस लड़की को घर लाने की? तो और क्या करता? मुझे पता है उसकी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, और बाप का साया भी सर से उठ गया है, तो बच्ची कहाँ जाती? तो यतीम खाना तो नहीं है हमारा घर? बात यतीम खाने की नहीं है, वहाँ पूरा खानदान जमा था, सबके दरमियान यही सलाह मशवरा हुआ कि जब तक उस बच्ची का कोई और बंदोबस्त नहीं होता वो मेरे साथ रहेगी, और इसमें मेरी मर्जी शामिल थी। तुम भूल गई हो कि रहीम भाई कैंप पे कितने एहसानात हैं, अगर वो मेरी मदद ना करते तो शायद मैं इस वक्त गांव में पढ़ा होता। उन्होंने मुझे कराची का रास्ता दिखाया तो आज मैं इतने बड़े कारोबार का मालिक हूँ। देखिए अशरफ, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी है, और बहुत बड़ी परेशानी। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि हमारे घर में जवान बेटा है हमारा, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? शायस्ता, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। और उस लड़की पर? शायस्ता, वो मेरी भतीजी है। सगी तो नहीं? देखिए अशरफ, आपको मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन ये गांव की लड़कियां जो होती हैं ना, चेहरे से जितनी मासूम नजर आती हैं उतनी होती नहीं है। अगर इसने कल को कोई चांद चढ़ा दिया तो? शायस्ता, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। देखें अशरफ, आप नहीं देखना मुझे कुछ, ना कुछ सुनना है, क्या सही हो क्या गलत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और खबरदार मैं आइंदा उस बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जो भी हो जाए, मैं इस लड़की को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। मुझे तो अभी से खतरे की बू आ रही है। अरे भाई, घर के हालात क्या बताऊं? मियाँ जी गांव से एक लड़की उठा कर ले आए हैं, उनकी खाला की बेटी है, उसकी माँ का ये हाल ही में इंतकाल हुआ है। हाँ, बस अशरफ यही कह रहे थे कि पूरी दुनिया में अकेली रह गई है बेचारी, बेआसरा है। क्या बात कर रही हो, ज़रूरी तो नहीं कि राहिला भाभी के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो। हाँ क्या सच कह रही हो तुम? ये लड़कियां जादू भी जानती हैं क्या? करोगी या बैठी टीवी देखती रहोगी? तो वो घर में नौकरानी है ना, तो इस छुट्टी करवा दी है मैंने नौकरानी की, अब घर के सारे काम तुम ही करोगी, समझी? तो जी मैं कर लूंगी, मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा क्या मतलब? घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना चाय नाश्ता सब कुछ करोगी तुम? जी मैं कर लूँगी। अच्छा अभी जाओ मेरे कमरे में, मोबाइल पड़ा होगा लाकर चार्जिंग पर लगाओ, और उसके बाद खाने का इंतज़ाम करो। खाना क्या बनाना होगा? ओ बीबी, किचन में जाओ, मैं खुद ही बता दूँगी तुम्हें। जाओ, मुँह क्या देख रही हो मेरा, जाओ यहाँ से। चाचा जान, चाय बना दूं? अरे नहीं बेटा, बहुत खा लिया है, कोई जगह ही नहीं बची है चाय के लिए। आज तुम्हारी चाची ने खाना बहुत दिल से बनाया था लगता है।
आज खाना मैंने नहीं, नाजी ने बनाया। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि आज खाने में से मेरे गांव की खुशबू कैसे आ रही है, अरे भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मजे का था, खुश रहो। हाँ अलबत्ता, मीठा मैंने बनाया था जो आपने चखा तक नहीं। यार चाय की गुंजाइश नहीं बची, मीठा कहाँ खाते, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। खाना ठीक था लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा था और गोश्त भी सही नहीं गला था। चलो तुम्हारे अब्बा को अच्छा लगा तो अच्छा ही होगा, इन्होंने तो इतना खा लिया कि मीठे की गुंजाइश तक नहीं है। अरे बाबा नाराज क्यों होती हो, ले आओ मीठा अभी खा लेते हैं, इसमें क्या। अब चाची जान मैं ले आती हूँ। शायस्ता जरा ख्याल क्या करो, उसकी बेचारी की दिल चिकनी ना हो, अभी हाल में उसके वालिद का इंतकाल हुआ। हाँ तो मैंने मारा है क्या, उमर चलो बेटा। जी अबू चले। तुम क्यों सफाई कर रही हो, मासी कहाँ है। जी आप बिल्किस छुट्टी पर है, उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन बीमार है, अगर मुझे दो चार दिन की छुट्टी दे देंगे तो मैं उसकी देखभाल कर लूंगी, मैंने उसे छुट्टी दे दी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब तक बिल्किस नहीं आती नाजी हमारे घर की मासी का काम करेगी। कोई बात नहीं चाचा जान, ये घर भी तो मेरा अपना ही है ना, और मैंने ही चाची जान से कहा था कि जब तक काम वाली वापस नहीं आ जाती मैं ही इस घर का काम करूंगी। मगर नाजी तुम इस घर में मेरी बेटी की हैसियत से आई हो। बेटी भी कहते हैं और घर का काम करने से भी रोकते हैं। सही बात, रहीम ने बहुत अच्छी तरबियत की बेटा तुम्हारी। अबू चले ले रहा हूँ। ये मेरा अपना घर है, और तो अपने मुंह से ये बात निकाली, आइंदा ना सुन जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। मुझे तुम्हारे इरादे शुरू दिन से ही ठीक नहीं लग रहे थे। आप ऐसा क्यों सोचती हैं, मैंने तो कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा। चाची जान आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ, काम करो और जरा तेज तेज हाथ चलाओ, सुबह से शाम तक डस्टिंग ही खत्म नहीं होती, खाना भी बनाना है अभी, जल्दी करो। सुनिए अशरफ, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ। हाँ बोलो। देखिए ना अब हमारा उमर माशाल्लाह जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, क्यों ना हम उसकी शादी कर दें। वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं भी यही सोच रहा था। सच? हाँ। तो फिर चलें कल ही लड़की देखने। लड़की देखने चलते हैं? अभी लड़की देखने की क्या ज़रूरत है, जब घर में ही रिश्ता मौजूद है तो। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप। अरे भाई मैं नाजी की बात कर रहा हूँ, इतनी प्यारी बच्ची है, अपने खानदान की है, सुघड़ है, तमीजदार है, और क्या चाहिए हमें। गवार भी है, 8 जमातें पास है वो। अरे ना पहनने का तरीका ना सलीका, कुकिंग रेंज तक तो इस्तेमाल को कर नहीं सकती, और हमारा उमर चाइनीज इटालियन खाने खाने वाला, और उसको क्या आता है बनाना, दाल चावल सब्जी मटन बस। हाँ सफाई सुथराई कर लेती है अच्छी, लेकिन उसकी इस खूबी पर हम अपने बेटे को उसके हवाले नहीं कर सकते। बस क्या मतलब है तुम्हारा बेटा उसके हवाले नहीं कर सकते, ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रही हो तुम। हम अपने घर के लिए बहू ला रहे हैं, उसे एक मुकद्दस रिश्ते में बांधने जा रहे हैं। रिश्ता भी बराबर वालों में अच्छा लगता है, हमारे समधी की हैसियत हमसे ऊंची ना सही लेकिन बराबर तो होनी चाहिए ना। अरे लड़की ऐसी हो जो हमारे उम्र के साथ चलती अच्छी लगे, जचे भी, ये यतीम गरीब ये क्या दे सकती है हमें। हमें चाहिए भी क्या, सब कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ नहीं जानती, हम उम्र की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही करेंगे बस। पसंद की लड़की क्या मतलब है तुम्हारा,
उमर को कोई लड़की पसंद? हाँ, मैं मिली हूँ एक बार उससे। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी ऊंचे घराने की लड़की है वो। उमर उसे पसंद करता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, यानी मेरे बेटे को एक लड़की पसंद है, तुम उससे मिल भी चुकी हो और मैं इससे अब तक बेखबर बैठा हूँ? आपको बताना चाहती थी मैं, लेकिन आप वो दूर के रिश्तेदार को हमारे करीब ला रहे थे। जब मैंने देखा कि आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं उस लड़की के लिए, तो मुझे आपको ये बात बताना पड़ी। बस ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है ना अशरफ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप नाजी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें और उसे यहाँ से रुखसत करें, ताकि हम अपने बेटे की बात आगे बढ़ा सकें। माफ करना शाइस्ता बेगम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा और हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए उसकी शादी पर, क्योंकि उमर को आपने देखा है, सारी ज़िंदगी से इतना सादतमंद फर्मा बरदार रहा है। एक पैसा भी खर्च करने से पहले वो आपसे पूछता है, आपसे मांगता है पैसे। अरे भाई, उसकी इतनी फर्मा बरदारी के बदले में हम उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को इस तरह से फरामोश तो नहीं कर सकते ना। अब पहली बार अगर उसने अपने लिए कुछ मांगा है तो हमें भी बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, समझे आप? ताहिर के और कितने बहन भाई हैं? बस एक बड़ी बेटी थी मेरी, उसकी शादी कर दी है माशाल्लाह, अपने घर की हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़की तो हमें पसंद है, हमारी तरफ से आप हाँ समझिए। हमें भी ताहिर मियां बहुत पसंद है, इसीलिए तो हमने अपनी भतीजी के लिए इनका इंतखाब किया। जाओ बेटा, मेहमानों का मुंह मीठा करवाओ, मिठाई लेके आओ, छोड़ दो इसे। कोई जहेज वहेज की डिमांड हो तो वो भी बता दें। अरे कैसी बात कर रही हैं बहन आप, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस के दूसरे के घर का कर देते हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और वैसे भी हमारे घर में हमारी जरूरत की हर चीज मौजूद है, बस एक बहू की कमी थी, वो भी अब पूरी हो जाएगी। बस आप ये समझिए कि बच्ची अपने एक घर से दूसरे घर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को भी बहुत इत्मीनान होगा अगर आपके घर में होगी हमारी बच्ची। तो अम्मी, वैसे अबू ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है नाजी के लिए। ताहिर बहुत मेहनती लड़के, हमारी पूरी फैक्ट्री में ऐसा कोई लड़का नहीं। अभी पिछले महीने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी, हो सकता है उसकी तरक्की भी हो जाए। हमारी बला से हमारी तो जान छूटी भाई, और तुम्हारे अब्बा उस गवार को इस घर की बहू बनाने चले थे। अब तो नाजी की शादी भी हो गई है, अब आप बात करें ना उससे। माँ मुझसे रोज पूछते कब तक टालूंगा उससे मैं। अच्छा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? करती हूँ बात तुम्हारे अब्बा से, फिर दो चार दिन में हम माँ का हाथ मांगने उसके घर चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो लोग ही आएंगे। क्यों? उसके पेरेंट्स जरा आजाद ख्याल किस्म के, वो ये चाह रहे हैं कि वो रिश्ते की बात करने हमारे घर आए, ताकि इस बहाने हमारा घर देखे। अच्छा चलो, जरूर आए भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमें कुछ पैसे भी चाहिए। क्यों खैरी? आपकी होने वाली बहू को शॉपिंग पर लेकर जाना है, इतने अरसे से उसे कुछ लेकर नहीं दिया मैंने। हाँ दे दूंगी पैसे, जरूर लेना भाई, जरूर। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम शुक्रिया अदा करते हो, हाँ हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। काश ये बात अब्बू भी समझ जाए। मजाल है जो सैलरी के अलावा एक रुपया भी देते हो मुझे, ये तो शुक्र है पैसे का सारा कंट्रोल आपके हाथ में। अगर अब्बू के हाथ में होता ना तो सैलरी पर ही गुजारा करना पड़ता। घर का सारा निजाम तो औरत चलाती है, समझदार मर्द घर का सारा हिसाब किताब खातून खाना के हाथ में ही देते हैं। अब अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना, मजाल है कभी उन्होंने अपने हाथ से एक शय खरीदी हो। सारे पैसे मेरी अम्मी के पास होते थे, उनकी कमीज से लेकर घड़ी तक सब अम्मी खरीदा करती थी। तो अब्बू की सारी शॉपिंग भी तो आप ही करते हो? हाँ ना, अभी तो बताया मैंने, घर का निजाम तो औरत ही चलाती है। यस यस, ले लेना जितने चाहे पैसे लो। लीजिए जी, आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म कॉफी। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ,
लेकिन रॉ मटेरियल बहुत अच्छी तरह चेक करना है, पिछली मरतबा बहुत गड़बड़ निकली थी। ओके थैंक यू। हाँ भाई बेगम, आज आपने खुद कॉफी बनाई है? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बनाऊं। वाह मजा आ गया। अशरफ एक बात करनी थी आपसे। कहो कहो। नाजी अपने घर की हो गई, क्यों ना हम अपने उम्र की भी शादी कर दें? वो लड़की वाले बार बार पूछ रहे हैं, इसरार कर रहे हैं। जब बाकी सारे मामला तुमने और तुम्हारे बेटे ने खुद ही तय कर लिए तो ये भी कर लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप अभी तक इस बात को दिल में लिए बैठे हैं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अशरफ। चलो बहरहाल ये बताओ कब जाना है लड़की वालों के यहाँ? नहीं नहीं हमने नहीं जाना, वो लोग आएंगे हमारे घर। आमतौर पर तो लड़के वाले पहले लड़की वालों के यहाँ जाते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल लड़के वाले जाते हैं, लेकिन उमर से वो लोग कहने लगे कि हम खुद आ जाएंगे, इसी बहाने हम घर बार देख लेंगे आप लोगों का। अच्छा चलो जब मुनासिब समझो बुला लो। ठीक है मैं उमर से कहती हूँ कि कल ही उन्हें बुलवा लें। ठीक। अशरफ आप खुश तो हैं ना? भाई जब तुम खुश हो, तुम्हारा बेटा खुश है, बस तुम लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। और नहीं आपका खुश होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता नहीं था मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? तुम जानती हो ना घर वाले बातों में लगे हुए थे, उठने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा हाँ दुल्हन बन के तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी मेरी मुंह दिखाई किधर है? अरे तारीफ तो कर लेने दो। मुंह दिखाई निकालो पहले। लाया हूं, लाया। अगर ये तुम ना लाते ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती। इतना गुस्सा? अच्छा मैं ये सब चेंज कर लूँ अब, क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही है, आदत नहीं है ना मुझे ऐसे कपड़ों की। Why not? Why not? सब कर लो। हेल्प करो मेरी। Oh, yes, of course. पता है हम दुनिया के पहले मियाँ भी नहीं होंगे जो अपनी शादी की रात इतनी कैजुअल बातें करें। अब हम बात भी क्या करें, सारी बातें तो पहले कर चुके हैं। मुझे एक प्यारी चाय बना दे। बिल्कीस, बिल्कीस। जी बाजी। अंकल को एक कप चाय बना दो। जी अच्छा। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम जाओ बिल्कीस अपना काम करो। मगर मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अंकल को चाय चाहिए थी तो मैंने बिल्कीस से कहा कि बना दे। मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन बिल्कीस क्यों नहीं बना सकती चाय? क्योंकि हमारे खानदान में खाना चाय वगैरह सिर्फ घर की औरतें बनाती हैं। लेकिन हेलो। जी मामा बस मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में निकल रही हूँ। सुनो घर से बाहर निकलने से पहले घर के किसी बड़े से इजाजत ले। हाँ तो इजाजत ले ली है मैंने अपने शोहर से, और वैसे भी मैं आपकी गाड़ी में नहीं जा रही, अपनी गाड़ी लेके जा रही। काश काश माँ बाप ने जहेज में गाड़ी के साथ थोड़ी सी तमीज तहजीब भी दे दी होती। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुनो पछतावा तो होता हो, अपने और अपने बेटे के इंतखाब पे तुम्हें कभी ना कर। नहीं।
बेटा महा कहाँ रह गई है, फोन करके पूछो उसे। अपने अम्मी अबू की तरफ गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे बेटा टाइम तो देखो। क्या हो गया अम्मी, कराची शहर सारी रात जागता है, रिलैक्स। अच्छा मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। देखो माना महा बहुत बड़े घर की बेटी है, लेकिन अब वो हमारे घर की बहू भी है, उसे यहाँ के तौर तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि? जैसा कि तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते हैं कि घर की औरतों को खानादारी आनी चाहिए। अब तुम्हारे अब्बा ने महा को बड़े प्यार से कहा कि बेटा एक कप चाय बना दो, उसने तो मुंह पर ऐसा इनकार किया, तुम्हारे अब्बा का ऐसा दिल टूटा कि पूछो ही मत। चलो वो आती है तुम्हें उससे बात। और दूसरी बात, महा से बोलो कि इस घर को भी अपना घर समझे, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करे, हर वक्त फोन पर रहती है। क्या कह रही थी आंटी? कुछ नहीं, ऐसे रूटीन की बातें कर रही। अच्छी बात है, अब मेरी बुराई आप लोगों के लिए रूटीन की बात हो गई है। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही है ना, और मैंने सब सुन लिया था। आंटी तुम्हें मेरी शिकायतें लगा रही थी ना कि मैं सारा वक्त फोन इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम ऑफिस चले जाते हो, मैं घर पर बोर होती रहती हूँ, अगर फोन यूज नहीं करूँ तो क्या करूँ? अगर बोर होती हो तो घर के काम काज में हाथ बटा लिया करो। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपने माँ बाप की खिदमत के लिए मासी चाहिए थी, अपने लिए बीवी नहीं। तुम बात को दूसरी तरफ लेके जा। तो क्या करूं, मैं इतने अच्छे मूड में अपनी मामा के घर से आई थी, तुम्हारी अम्मी ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे तो अम्मी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? तो किस पर निकालो? अच्छा ओके चलो, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखो उमर, तुम्हें सब पता था पहले से मेरे ब्रॉटअप के बारे में, और मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, और हमारी शादी की बेस अंडरस्टैंडिंग पर थी। तुम प्लीज अपने पेरेंट्स को बता दो कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें, वरना मैं अपने पेरेंट्स के घर चली जाऊंगी। अरे प्लीज नाराज मत हो, ठीक है ना? बस चलो तो अपना मूड ठीक करो, गुस्सा तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरा मूड अब ठीक नहीं होगा। प्लीज प्लीज मान जाओ, प्लीज। एक शर्त है। सब मंजूर। मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। बस इतनी सी बात, अभी गया और अभी लाया कॉफी, ओके? अरे तुम इस वक्त किचन में क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, किसके लिए? अपने लिए। लेकिन तुम तो कॉफ़ी पीते नहीं हो, चाय पीते हो तुम। तो चाहिए आपको? हाँ मैं पानी पीने आई थी, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या जवाब दूँ अम्मी, क्या मैं चाय की जगह कॉफ़ी नहीं पी सकता? तुम चाय की जगह कॉफ़ी पियो, ये मुझे गवारा है, लेकिन किचन में महा के करने वाले तुम काम करो, ये मुझे नहीं बर्दाश्त। ओहो अम्मी क्या हो गया यार, कॉफ़ी को लेकर तो इस घर में जंग छिड़ गई है। रहने दें आप लोग, क्या शौहर बीवी का काम करे, बीवी शौहर का काम करे, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दें आप। उमर कॉफी ले भी आओ। ओके डार्लिंग। बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे शाइस्ता, इस लड़की ने तो तुम्हारे बेटे को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। शेख साहब को पेमेंट पहुंच गई? जी अब्बू, पे ऑर्डर मैंने उनके अकाउंट में जमा करवा दिया था। बेटा ये कब तक चलेगा इस तरह से? क्या अब्बू? बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी को हमारे साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए? हमारे साथ बैठकर नाश्ता तो तब करेंगी ना अगर वो उठ जाएंगी तो। वो महारानी तो उठती 2 बजे। मुझे तो माजी बेटी याद है,
सबसे पहले उठती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी, हमारे साथ बैठ के खाती थी। कितने अच्छे दिन थे, अच्छा लगता। खुश हो गई आप? यही सब सुनाना चाहती थी ना आप? मुझे माफ कर दीजिए अशरफ, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं इस लड़की की जाहिरी चमक दमक से धोखा खा गई, लेकिन अब ये बात अच्छी तरह से जान गई कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ा देने से वो सोना नहीं बन जाता। क्या फायदा, बहुत देर हो गई। सोना तो तुमने अपने हाथ से गंवा दिया। उस वक्त तुम्हें अपनी हैसियत, अपने स्टेटस की फिक्र थी। क्या हुआ? अच्छी घर जहेज से भर गया, मोहब्बत से खाली। सच है शाइस्ता, लालच और स्टेटस के चक्कर में तुम बहुत गलत फैसला कर गई। वैसे बीबी जी, एक बात कहूँ? आपकी बहू बड़ी नकचढ़ी है। तुम्हारी माँ भी मैं हूँ। मुझे आज दिन तक इस घर में किसी ने कोई बात नहीं की। आपको पता है, मैं उनके कपड़े अलमारी में रखने के लिए गई थी, मेरे हाथ से एकदम से उन्होंने छीन लिए। अब पता है मुझे कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसी होगी मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। अब तो यकीन जाने, डर के मारे मैं उनके फर्नीचर को भी हाथ नहीं लगाती। अरे बस करो, बस करो। अलीजे को नहीं बुलाया? मैं पहले इस लड़की की वजह से बहुत परेशान। वो एक्चुअली अभी जाके होगी ना, तो चेंज कर लेगी। अब तक हेलो। हाँ उमर, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे है वो अब? बीबी जी, सब खैरियत तो है ना? उमर के अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। चाची जान, हौसला रखिए, ये सब अल्लाह के निजाम होते हैं और हम इंसान इन सब के आगे बेबस होते हैं। अल्लाह पाक ने चचा जान को बहुत जल्दी अपने पास बुला ली। बस अब हमें उनके इसाले सवाब और तस्कीन के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। बीबी जी, आप छोटी बहू को बुला लीजिए। वो कमरे में क्या कर रही है? उनका यहाँ होना जरूरी है। बाहर सब औरतें उनके बार बार पूछ रही हैं। उनसे कह दो जाकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दें। आज तुम यहीं रुक जाओ। रुक तो जाती, लेकिन वहां अम्मी शुगर की मरीज है, उनकी देखभाल करनी होती है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं यहाँ आती जाती रहूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
उमर बिजी हो बेटा? जी अम्मी, फैक्ट्री के अकाउंट्स देख रहा हूँ। पता नहीं अब्बू फैक्ट्री कैसे चलाते थे, सारे के सारे खाते इधर उधर हुए। ये तो अच्छा हुआ मैंने वक्त पे चार्ज संभाल लिया, वरना अगर फोरमैन पे रहते ना तो जैसे अब्बू का अचानक इंतकाल हुआ ना, फैक्ट्री का भी दिवालिया हो जाता। ऐसी बात तो नहीं है बेटा, खून पसीना दिया है तुम्हारे अब्बा ने फैक्ट्री को। मैं उनकी मेहनत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे काम उनसे संभाले नहीं गए। खैर आप बताएं क्या कहने आई थी। परसों तुम्हारे अब्बा का 40वां है, मैं चाहती हूँ ख़त्म दिलाकर दो चार दे के यतीमों में तकसीम कर दें, उसका सवाब तुम्हारे अब्बा को मिलेगा। हाँ ठीक है, आप वहाँ से बात कर लें, पैसे के सारा हिसाब किताब उसके पास है। उसके पास क्यों? अब्बू का सारा हिसाब किताब भी आपके पास ही होता था। अभी मुझे भी जब पैसे चाहिए होते थे मैं आपसे ही मांगता था, आप ही ने मुझे बताया था ना, नाना अब्बू के पैसे भी नानी अम्मी के पास होते। तो ठीक है बेटा, लेकिन अम्मी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, जो मेरे बड़े करते हैं वही कर रहा हूँ। लेकिन बेटा अच्छा लगेगा बेटे की बजाय मैं बहू से पैसे मांगूं? अम्मी प्लीज मुझे काम करने देना, आप वहां से ले लेना जाके पैसे और जल्दी चले जाओ, उसने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, या ना आपका काम रह जाए। आपको पैसे मिल जाए तो मुझे बता दे, मैं रफीक से कहूंगा आपके सारे काम कर दे। लेकिन उमर बेटा अम्मी प्लीज। बेटा एक बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। परसों उमर के अब्बा का 40वां है, मैं चाह रही थी कि उनके साले सवाब के लिए ख़त्म करवा दूँ और दो चार खानों की देगें यतीम खाने भिजवा दूँ। उमर से बात की आपने? हाँ उमर से ही बात की है, उसने कहा है कि मैं तुमसे बात कर लूँ। हाँ तो कीजिए, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे बेटा। पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में पैसे ना हो? पैसे तो हैं मगर घर की ज़रूरतों के लिए, शाह खर्चियों के लिए नहीं। लेकिन बेटा ये शाह खर्ची तो नहीं है। तो और क्या है, यहाँ जिंदा लोगों को कोई पूछता नहीं है और आपको मरे हुए लोगों के लिए देगें चढ़ानी है। घर का सारा निजाम तो औरत चलाती है, समझदार मर्द घर का सारा हिसाब किताब खातून खाना के हाथ में। अब अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना, मजाल है कभी उन्होंने अपने हाथ से एक शय खरीदी हो। सारे पैसे मेरी अम्मी के पास होते थे, उनकी कमीज से लेकर घड़ी तक सब अम्मी खरीदा करती थी। आदिल भाई का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और वो मुल्तान में बोर हो रहे हैं, तो वो भाभी और बच्चों के साथ यहाँ आना चाह रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा आ जाएं, इसी बहाने बच्चे कराची भी देख लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मेरी मजाल के मैं आपकी किसी बात पे एतराज करूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? इस घर का सबसे बड़ा कमरा आंटी के पास है। मैं सोच रही थी आदिल भाई और उनकी फैमिली को वो कमरा दे देते, मगर आंटी अपने कमरे की किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती। वो कहती हैं तुम्हारे अब्बू की निशानी है, उनकी यादें हैं। कहती तो वो ठीक है, मगर फिर हम आदिल भाई और बच्चों को कौन सा कमरा देंगे? गेस्ट रूम तो बहुत छोटा है और उनके चार बच्चे हैं। चलो मैं अम्मी से बात करूँगा। बात करने की क्या ज़रूरत है? तुम कुछ दिन के लिए आंटी को उनके भाई के घर भेज दो। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना,
मगर तुम्हारी अम्मी की बहुत बुरी आदत है, वो बात लगाने से बाज नहीं आती। ऐसे ही उन्होंने मेरे भाई भाभी के सामने कुछ कह दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और मैंने इतना भरम बनाया हुआ तुम्हारा उनके सामने। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एकदम से तो उन्हें उनके भाई का नहीं भेज सकते। तो ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। अरे मैंने मना करने का कब कहा? रहने दो, बस पता चल गया मुझे तुम मुझसे कितना प्यार करते। अरे 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 ओके, कल ही मामू जान को फोन कर देता हूँ, आके अपनी को ले जाएंगे। खुश, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे भाई के घर का रास्ता पता है, मैं खुद चली जाऊंगी। अम्मी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, मैं इसी की हकदार। अम्मी बात दरअसल, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत है तुम्हें, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत ना करना कि मेहमानों के आने पर उन्हें तुम लोगों को अपने घर से निकालना पड़े। अम्मी दरअसल बात, तुम? जी वो चच्ची चांद को फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, तो सोचा खुद ही जाकर उनसे मिल लूँ। तुम्हारी चच्ची जान अब यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो कहाँ गई वो? वो अपने नाजमाबाद वाले भाई के घर रहती हैं। आप वहाँ रहती हैं क्या मतलब? मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं है, बेहतर होगा तुम उन्हीं से जाकर पूछ लो। चलाओ, सारा दिन गुजर जाता है, तुम्हारी सफाइयां क्या खत्म ही नहीं होती। जी अब कौन आ गया इस वक्त? तुम रुको, मैं देखती हूं। जी आप कौन? वो शायस्ता चच्ची यहीं रहती हैं क्या? रहती नहीं है, जबरदस्ती अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ आ गई हैं, हमारे सर पर बोझ बनकर। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिल लीजिए। नजीर, चची जान, ये आप क्या कर रही हैं? करने दो बेटा मुझे, ये मेरे कर्मों की सजा है। सच कहते हैं ये दुनिया मकाफात अमल है। कल मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, आज है देख लो मैं उसकी सजा भुगत रही। चची जान आपने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई बात है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की। न
मैं तो अच्छी माँ भी ना बन सकी। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? मैं यहाँ अपनी चच्ची जान को लेने आई हूँ। ले जाओ, जिसके अपने सगे बेटे ने उसे घर से निकाल दिया हो उसकी भतीजी उसे लेने के लिए आई है। वाह, ले जाओ शौक से ले जाओ, कम अज कम हमारी जान तो छुटेगी। चची जान, आप मेरे साथ मेरे घर चले। मेरे घर में और मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। अभी अभी आपकी बेटी जिंदा है, बस आप मेरे साथ मेरे घर चले। मुझे माँ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत की। प्लीज प्लीज चची जान, मुझे माफ कर दो। अल्लाह।